तो भाई नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो पे बताने वाले हैं टॉप 10 लो एंड पीसी गेम फॉर 1 GB रैम। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड का कोई नीड नहीं है। मैं पहले बता दूँ, अभी जितने भी गेम्स आपको मैं बताने वाला हूँ उन सभी का डाउनलोड लिंक आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा एंड वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला गेम है, उसका नाम है सैंड्रो 2। ओके, गेम के बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे गेम कैसे रहते हैं, तो फिर भी मैं इस गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। उसे डेवलप किया है वैल्यूएशन ने एंड दोस्तों उसे पब्लिश किया है THQ ने। सो गाइस इस गेम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सभी फील्ड के लिए उपलब्ध है, PC, Xbox, PlayStation सभी के लिए आता है। एंड ये गेम की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, एक ओपन वर्ल्ड गेम है में आप मिशंस कंप्लीट कर सकते हो, कार चला सकते हो, घूम सकते हो, मतलब एक ओपन वर्ल्ड गेम है। ये नहीं कि आप मिशन कंप्लीट किया तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं, आप घूम फिर सकते हो। एंड इसके मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करना चाहता हूँ कि इसका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। एंड दोस्तों ये टेस्टेड है, यहाँ पर आपके पास रैम मिनिमम 1 GB होना चाहिए। एंड ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करो दोस्तों तो यहाँ पर आपके पास इंटेल का डुअल कोर होना चाहिए। एंड मिनिमम स्पेस आपकी PC या लैपटॉप पे 15 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है तो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। सेकंड गेम है, उसका नाम है जस्ट कॉज। एंड दोस्तों जस्ट कॉज का क्या कहना, गेम के बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है पहली बात। एंड ये गेम रिलीज हुआ था आपका 22 सितंबर 2006 को। एंड इसे डेवलप किया गया है एवलांस स्टूडियो ग्रुप के द्वारा। एंड इसे पब्लिश किया गया आईड्रॉस इंटरएक्टिव के थ्रू। सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है एंड्रॉयड को छोड़ के। आप इसे PS4, Xbox, PlayStation एंड PC किसी पे भी खेल सकते हो। एंड चलिए हम बात कर लेते हैं इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की। मेमोरी आपके पास मिनिमम 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करें तो पेंटम 4 आपके पास होना चाहिए। एंड वेल गाइस यहाँ पर आपके पास स्पेस मिनिमम 7 GB के आसपास खाली होना चाहिए, तो आपका गेम आराम से। एंड दोस्तों अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप मेरे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर, उसका नाम है माफिया 1 2002। आप इसे माफिया 1 बोल सकते हो क्योंकि ये माफिया गेम का सबसे पहला गेम था। माफिया सीरीज के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा, मेरे से ज़्यादा ही नॉलेज होगा, बट दोस्तों इस गेम को बहुत ही कम लोगों ने खेला होगा। क्योंकि इस गेम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं। दोस्तों इस गेम का नाम है माफिया एंड माफिया 2002। ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है एंड इसे आप ओपन वर्ल्ड भी बोल सकते हो। दोस्तों इसे डेवलप किया गया एल्यूशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। एंड दोस्तों इसे पब्लिश किया गया गैदरिंग ऑफ डेवलपर। एंड दोस्तों ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, PlayStation 2, PC, Xbox सभी के लिए। एंड अगस्त 2002 को ये गेम रिलीज किया गया है। भी आपका मिशन वाला गेम है, इसमें भी आप आफ्टर मिशन आप पूरे सिटी में इधर उधर घूम सकते हो, मारपीट कर सकते हो, जो करना है बस, ठीक है। एंड इस गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है दोस्तों। एंड इस गेम का मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट अब थोड़ा रिवील कर देना चाहता हूँ। इसको चलाने के लिए आपके पास रैम मिनिमम 128 MB होना चाहिए। एंड ग्राफिक कार्ड कोई नीड नहीं है दोस्तों। एंड प्रोसेसर की बात करो पेंटम 3 में गेम आराम से चल जाएगा। एंड आपके पास मिनिमम हार्ड डिस्क इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए 4 GB के आसपास होना चाहिए। एंड बस इतना ही सिस्टम रिक्वायरमेंट है एंड आप इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो। एंड वेल गाइस अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारा जो 4th नंबर का गेम है, उसका नाम है स्कारफेस द वर्ल्ड इज योर्स। एंड गाइस ये भी एक एक्शन एडवेंचर एंड ओपन वर्ल्ड गेम है। गेम को रिलीज किया गया था 25 जुलाई 2006 को। एंड जो इस गेम के डेवलपर है वो रेडिकल एंटरप्राइजेज है। एंड दोस्तों इसे पब्लिश किया गया है विवेंट गेम के थ्रू। एंड वेल गाइस ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए गेम उपलब्ध है एंड PC, PlayStation एंड Xbox सभी के लिए है। आफ्टर मिशन कंप्लीट करने के बाद इसमें भी आप घूम फिर सकते हो, आराम से कार चला सकते हो, मारपीट कर सकते हो, जो भी आप ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो आप सभी कर सकते हो। एंड चलिए इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों बस कितना सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। रैम की बात करें तो एड 256 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड हो ना हो तो भी ठीक है, हो तो भी ठीक है। एंड प्रोसेसर की बात करो पेंटियम 4 में गेम आराम से आपका चल जाएगा। एंड दोस्तों आपके पास मिनिमम स्पेस 5 GB के आसपास खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे जो 5th नंबर वाला गेम है, प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विदिन। वेल गाइस ये भी एक बहुत ही एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है। मैं इस गेम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देना चाहता हूँ दोस्तों। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है, मतलब एक आपको इसमें लिमिट मिलता है, मतलब आपको मिशंस कंप्लीट करने लेते हैं, जैसे कि आप फाइट करते हो, मतलब एक वो पूरा वॉरियर टाइप का गेम है। तो वेल गाइस इस गेम को रिलीज़ किया गया 30 नवंबर 2004 को। इनको डेवलप किया है यूबीसॉफ्ट ने एंड इस गेम को पब्लिश किया है यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड वेल गाइस, ये गेम टोटली आपका फाइटिंग के ऊपर है, मतलब एक्शन एडवेंचर है पूरा, इसमें ओपन वर्ल्ड नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। बट अगर आप इस गेम को खेलते हो तो आपको यार बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप जैसे देख सकते हैं इसका ग्राफिक्स, एंड दोस्तों ये भी आपका लो एंड पीसी में आराम से चल जाएगा। इसमें भी आपका 1 GB रैम नीड है। तो यहाँ पर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लेना चाहता हूँ कि इस गेम को रन करने के लिए आपके पास मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। की बात करो तो मिनिमम 512 MB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड कोई नीड नहीं है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो पेंटियम 2 में गेम आराम से चल जाएगा। एंड दोस्तों स्पेस की बात को तो मिनिमम आपके पास 4 GB स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। अगर आपको ये भी गेम डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते दोस्तों हमारे जो 6 नंबर वाला गेम Battlefield 2। एंड वेल गाइस, Battlefield 2 एक एक्शन एडवेंचर गेम है एंड शूटिंग गेम है, एंड इसमें आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। मैं गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। Battlefield 2 गेम आपका 2005 21 जून को रिलीज किया गया था और एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। इसमें आपको मिलिट्री सिमुलेटर मिलता है। इसमें आप सोल्जर के कैरेक्टर पे आते हो एंड आपको फाइट करना रहता है ओपोनेंट से, एंड इसमें आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। वेल गाइस, इस गेम को डेवलप किया गया डिजिटल एल्यूशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है इलेक्ट्रिक आर्ट। प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, पीसी, प्लेस्टेशन एंड एक्सबॉक्स सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। गेम की मैं पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट बता दूं तो वेल गाइस, इसके पास आपके पास मिनिमम रैम मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 256 MB नीड है, जो कि हर एक कंप्यूटर में इतना तो रहता है यार। देखो, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है और आज के डेट पे कंप्यूटर लेते हो तो मिनिमम 1 GB ग्राफिक कार्ड तो रहता है, बट 256 MB हर एक कंप्यूटर पे रहता है। तो आपके पास रैम ग्राफिक कार्ड 256 MB होना चाहिए। एंड प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 4 GB आपके पीसी या लैपटॉप पे खाली होना चाहिए। अगर आप इसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 7 नंबर वाला गेम है, उसका नाम है GTA San Andreas। एंड इस गेम से तो आप बहुत ही अच्छा वाकिफ होंगे, तो फिर भी मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों इस गेम का नाम है GTA San Andreas। इसे रिलीज़ किया गया था आपका 26 अक्टूबर 2004 को। डेवलप किया है दोस्तों रॉकस्टार ने एंड एस्टेब्लिश भी किया है रॉकस्टार ने। गेम आपका एक्शन एडवेंचर एंड ओपन वर्ल्ड गेम है। इसमें भी आप मिशन कर सकते हो एंड आफ्टर मिशन आप पूरा सिटी में इधर उधर घूम सकते हो, मारपीट कर सकते हो, कार चला सकते हो, एयरप्लेन चला सकते हो, सभी काम कर सकते हो। इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास रैम मिनिमम 256 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करो तो 64 MB होना चाहिए। एंड प्रोसेसर की बात करो तो यार पेंटियम 3 में गेम आराम से चल जाएगा। एंड अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो आपके पीसी या लैपटॉप पे 4 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन माय वेबसाइट एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे 8 नंबर गेम के ऊपर, जिसका नाम है मैक्स पैन। मैक्स पैन से आप बहुत ही अच्छा वाकिफ होंगे। मैक्स पैन 1 की बात कर रहा हूँ। सो वेल गाइस, जो मैक्स पैन 1 है वो 3rd पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप किया गया है रेमेडी इंटरप्राइजेज के थ्रू। एंड दोस्तों पब्लिश किया गया है गैदरिंग ऑफ डेवलपमेंट के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम को रिलीज़ किया गया था 23 जुलाई 2001 को। एंड वेल गाइस, मैक्स पेन की सीरीज़ जो रहते हैं बहुत ही अमेजिंग रहते हैं। इसे आप कैटेगरी में डाल सकते हो एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम में। दोस्तों ये ओपन वर्ल्ड गेम नहीं, इसमें आपको मिशंस मिलते हैं एंड आफ्टर मिशन आपको फिर से गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा। बट दोस्तों एक लो एंड पीसी में आराम से चल जाएगा। इस गेम को चलाने के लिए मिनिमम आपके पास 1 GB रैम होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड का कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 3 में गेम आराम से चल जाएगा। एंड अगर आप इसको हमको इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पीसी या लैपटॉप पे तो 4 या 5 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड इस गेम का भी लिंक आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे 9 नंबर गेम के। 9 नंबर वाला गेम है, उसका नाम है बर्न आउट पैराडाइज। सो गाइस, इस गेम के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। बर्न आउट पैराडाइज एक ओपन वर्ल्ड कार रेसिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप किया गया है क्रिएशन गेम के थ्रू एंड इसे पब्लिश किया गया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड ये गेम सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, पीसी, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स सभी फील्ड के लिए उपलब्ध है। एंड इस गेम को रिलीज़ किया गया था दोस्तों 22 जनवरी 2008 को। एंड वेल गाइस, एक बहुत ही अच्छा गेम है, मतलब भाई कसम से बहुत ही अच्छा गेम। आप मत सोचना एक रेसी गेम है, आप जब इसे अपने लो एंड पीसी में खेलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो रिवील कर देना चाहता हूँ। तो रैम आपके पास मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो कोई नीड नहीं है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। अगर इस गेम को आपको डाउनलोड करना है और अपने पीसी में इंस्टॉल करना है तो मिनिमम स्पेस 5 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते दोस्तों हमारे लास्ट गेम पर, 10th नंबर वाला गेम है, उसका नाम है पेडे द हाइस्ट। एंड वेल गाइस, ये भी एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है एंड यार बहुत ही अमेजिंग गेम है, मतलब यार कसम से बहुत ही अमेजिंग गेम है, मतलब इस गेम के बारे में क्या कहूँ। तो वेल गाइस, पेडे द हाइस्ट एक कोऑपरेटिव वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है ओवरकिल सॉफ्टवेयर के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया था डे ब्रेक गेम कंपनी के थ्रू। एंड वेल गाइस, ये गेम रिलीज किया गया था 18 अक्टूबर 2011 को। इस गेम सभी फील्ड के लिए उपलब्ध है, PC, Xbox, PlayStation सभी के लिए उपलब्ध है। सो गाइज, इस गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम मिलता है, यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने पड़ते हैं, बट ये ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है एंड इसमें आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की थोड़ा बात कर लेते हैं कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। रैम की बात करें तो 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड की कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो यार Pentium 4 में गेम आराम से चल जाएगा। एंड बाकी बस इतना ही। एंड इस गेम को भी डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही कुछ 10 गेम थे, पीसी गेम थे आपके 1 GB रैम के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है। एंड दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड हाँ दोस्तों, कमेंट में बताना कि इन 10 में से आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा लगा, सबसे अच्छा गेम आपको कौन सा है एंड आपका कौन सा फेवरेट गेम है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करना, क्या मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।